मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल आज चुनाव आयोग से मिला है और चुनाव आयोग को उत्तर प्रदेश चुनाव के संदर्भ में वहां का डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और वहां का मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी, वहां का एडिशनल डीजी, इन लोगों के व्यवहार के बारे में, उनका पक्षपात के बारे में हम लोगों ने शिकायत दर्ज किया है। कारण किया है, नॉर्मली हम लोग किसी व्यक्ति के बारे में हम लोग बात करते नहीं हैं, मगर ज़्यादा अति हो रहे हैं। वहाँ डायरेक्टर जनरल पुलिस को 8 इक्विवेलेंट सीनियर अधिकारी को अंधे का करके नियुक्त किया है और बीच में जो फैमिली ड्रामा चला वहाँ लखनऊ में समाजवादी पार्टी का परिवार में, उस संदर्भ में वहाँ ये आम राय है, सबको मालूम है, मीडिया को भी मालूम है, पब्लिक को भी मालूम है, ये अधिकारी उसी परिवार का विवाद में एक वर्ग के साथ अपने साथ जुड़े हैं, इसलिए पब्लिक में भी ऐसा इम्प्रेशन है ये पार्टिजान है। इसके बारे में हमने इलेक्शन कमीशन को अवगत कराया और रिप्रेजेंटेशन भी दिया है उनको, तुरंत वहाँ से हटा के और कोई कॉम्पिटेंट सीनियर आदमी को डायरेक्टर जनरल पुलिस का नियुक्ति करके चुनाव निष्पक्षिक और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए पूरा प्रयास होना चाहिए, ऐसा हमने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है। वही मुख्य सचिव के बारे में भी, एडिशनल डीजी के बारे में ही। कारण क्या है, ये डीएम्स होता है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स, ये डीएम्स वगैरह मुख्य सचिव के अंदर काम करते हैं और डीएम्स विशेष रूप में हमने मेरठ का, रामपुर का, फिरोजाबाद का 3 उदाहरण भी दिया हम लोगों ने और इसके साथ अन्य डीएम्स में भी दबाव में आ रहे। कारण क्या है, मिसयूज़ करना, वहाँ का पार्टियों ने जिस तरह का व्यवहार किया है, समाजवादी पार्टी, उसके पहले बहुजन समाजवादी पार्टी भी, सबको मालूम है, वो लोग जो टारगेट करके लोगों को निशाना बना के बाद में एक्शन लेंगे, ऐसा डर है। आप लोगों को पहले भी याद है, एक दुर्गा नागपाल का उदाहरण भी, ज़्यादा आप लोगों को याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। ये दबाव में आके चुनाव का व्यवस्था में बाधा डाल रहे और निष्पक्षिक चुनाव नहीं तो अभियान नहीं होने दे रहे। परमिशन देने में विलंब करना, परमिशन देने में विपक्ष दिखाना, डिले और डिनाइल, ये दोनों हो रहे हैं जिले जिले में। और तीसरा, काफ़ी लोग कुछ इलाके में गुंडागर्दी के कारण से, इन लोगों के टेंशन के कारण से लोग ने अपना गांव छोड़ के बाहर गया, उन लोगों के बारे में भी हमने कहा, जिसको हम लोग माइग्रेंट कहते हैं, टेम्पररी माइग्रेंट, उनको भी विश्वास दिलाने के लिए इलेक्शन कमीशन से हमने अनुरोध किया, आप कृपया एक आदेश जारी करिए, आदेश का संदेश के रूप में लोगों को आश्वासन दिलाइए, वो लोग अपना आवे और वोट करें। उसके लिए जो व्यवस्था बंदोबस्त होना चाहिए, बंदोबस्त करना चाहिए, उस दिशा में पॉजिटिवली सोचेंगे, ऐसा इलेक्शन कमीशन ने कहा। और तीसरा, वहाँ पार्टी का मोटरसाइकिल कैंपेन में, और उसको स्टिकर नहीं होना चाहिए, स्टिकर नहीं तो पार्टी का व्हीकल कैसा होता है जी, स्टिकर झंडे लगाना ये हमारा अधिकार होता है, ये केवल यहाँ तक नहीं, नीचे स्तर पर, जिले स्तर पर अधिकारियों से मिलना, उसके बाद स्टेट चुनाव आयोग से मिलना, बार बार मिलना, अनेक बार मिलना, उनको रिप्रेजेंटेशन देना, लिखकर देना, कया उदाहरण उनको सामने प्रस्तुत करने के बाद वहाँ एक्शन नहीं हो रहे पर्याप्त, इसलिए यहाँ एक्शन। कुछ डीएम्स ऐसा है, कुछ डीएम ऐसा है 4 साल से एक ही जगह पे है, पहले एक पोजीशन में था, दूसरी पोजीशन में, एक अधिकारी एक जगह पे 4 साल रहना ये नॉर्मली होता नहीं। हमने इलेक्शन कमीशन को ये भी बताया, बहुत इलाके में देश भर में जब भी चुनाव होता है, जो अधिकारी 2 साल से ज़्यादा एक स्तर पर है तो उनको तुरंत वहाँ से टेम्पररी हटाते, बाद में उनको क्या करना वगैरह, जो चुने हुए सरकार आते हैं वो नया सरकार वो तय करेंगी।
मित्रों मेरा कहना इतना ही है, उत्तर प्रदेश में माहौल एकदम, ये समाजवादी पार्टी का गुंडागर्दी, लॉलेसनेस, भ्रष्टाचार, अत्याचार और परिवारवाद इसके खिलाफ है। और कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी मिल गया, कारण क्या है, समाजवादी पार्टी ने अपना विश्वास खो गया है। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, देश का जनता को भी, गत चुनाव में 2012 चुनाव में समाजवादी अपना बलबूत के आधार पर लड़के बहुमत प्राप्त किया और सरकार चलाया, और सरकार चलाया जो वादा दिया, वादा किया वादा नहीं निभा पाया, इसलिए विश्वास खो गया। और अभी फैमिली झगड़े में तो इन्होंने साइकिल है तो मुलायम जी से छीन लिया, मगर साइकिल का हैंडल कांग्रेस के हाथ में दे दिया। ये मेरा शब्द नहीं है, उन्होंने खुद कहा, भैया इनके पास है हैंडल, उनके पास है कांग्रेस के हाथ में, जो हाथ ने देश को बर्बाद किया है इतना साल राज करके, दिल्ली से लेकर गली तक उत्तर प्रदेश के साथ, और ऐसी हाथ में इन्होंने अपना पार्टी को हैंडओवर किया। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो व्यक्ति ने समाजवादी पार्टी को यहाँ तक लाया, ऐसी व्यक्ति से साइकिल छीन लिया और उनको पीछे भी कम से कम कैरियर में भी नहीं बिठाया, कांग्रेस नेता को बिठाया और हैंडल उनके हाथ में दे दिया, इससे ये मालूम हो रहा है पूरा विश्वास खो गया है। इसलिए ये लोग अभी व्यवस्था को मिसयूज़ करके, दुरुपयोग करके, अधिकारियों का इस्तेमाल करके चुनाव के ऊपर मैनिपुलेट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों को यहाँ तक आना पड़ा है। मैं आज और एक इम्पॉर्टेंट वक्तव्य भी आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ, आपने देखा होगा लीडर ऑफ द अपोजिशन राज्यसभा में जनाब गुलाम नबी आज़ाद जी ने एक वक्तव्य दिया, आज बहुत तो महत्वपूर्ण वक्तव्य है, पूरा देशवासी और प्रदेशवासी उत्तर प्रदेश वाले इसके बारे में ध्यान देना चाहिए। उन्होंने अपना हार को स्वीकार किया और कहा पब्लिकली, बहुजन समाज पार्टी भी साथ दिए तो हम आसान से बीजेपी को रोक सकते थे, ऐसा कहा उन्होंने, जैसा बाकी स्टेट में हुआ, किसी स्टेट के नाम लिया, और बहुजन समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, हम सब एक साथ हो गए तो बीजेपी को रोक सकते हैं। अब एक साथ तो हुआ नहीं, तो माने इनको भी विश्वास नहीं है, उनको विश्वास नहीं है, विश्वास खो गया, इसलिए कांग्रेस का समझौता किया। खुद कांग्रेस का नेता वो भी कोई इधर उधर नहीं है, सीनियर व्यक्ति है, और गुलाम नबी जी थोड़ा सोच कर बोलते हैं ऐसा हमारा समझ है अभी तक, तो उन्होंने पब्लिकली स्वीकार किया है बहुजन समाज पार्टी साथ दिया तो फिर बीजेपी को रोक सकते हैं, अभी रोकना संभव नहीं है। आपने देखा होगा कल अलीगढ़ में प्रधानमंत्री का, उसके पहले मेरठ में, उसके पहले अन्य इलाके में जैसा जनसैलाब जैसा दृश्य आप लोग को देखने मिला है, तो प्रधानमंत्री का नेतृत्व को साथ देना चाहते देशवासी तो हमारा भी कहना यह है लोगों से, आपने लोकसभा में हमको साथ दिया, केंद्र में सरकार आया, देश आगे बढ़ रहे, उत्तर प्रदेश पिछड़ा क्यों, इस विषय के बारे में लोग गंभीरता से सोचना चाहिए। इसलिए नरेंद्र भाई को साथ दीजिए और विकास के रास्ते पर आगे बढ़िए, उत्तर प्रदेश को बीमारू स्टेट से, जो बीमारू स्टैम्प हमने नहीं लगाया, ये बीमारू शब्द हमारा नहीं है, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार थोड़ा सा बीमारू से बाहर आने के लिए कोशिश कर रहे, मध्य प्रदेश तो बाहर आ गया ऑलरेडी, राजस्थान बाहर आया, झारखंड बाहर आया, छत्तीसगढ़ बाहर आया, मगर उत्तर प्रदेश अभी भी उसी में है। इसलिए एक अच्छा वक्त है लोगों को, इनको सबक सिखाना, जो भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनाचार, दुराचार सब कुछ किया है प्रदेश जनता के साथ, और अंत में जो देश को बर्बाद किया उसी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया है, और परिवारवाद का पराकाष्ठ में भी पहुंच गया, आज अखबार में विश्लेषण है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, केवल 22 लोग उस परिवार के लोग, एक ही परिवार का लोग 22 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, इसके अलावा और कोई जनता पब्लिक कार्यकर्ता कुछ नहीं है। इसलिए मित्रों मेरा कहना यह है, वो अंत में निराश होकर हताश होकर ये पूरा प्रयास कर रहे, और आज अखबारों में भी देखा होगा कानपुर बिल्डिंग कोलैप्स, और उसमें भी दोषी समाजवादी पार्टी का नेता है, और ये इनको फाइव फ्लोर्स उन्होंने 45 डेज में कंस्ट्रक्ट किया, 5 मंजिलें 45 डेज में, तो गिरेगा ही,
तो ऐसी स्थिति है वहाँ स्टेट में, इसलिए लोग गंभीरता से इसके सोच के वहाँ तुरंत इलेक्शन कमीशन से हमारा आशा है एक्शन लेंगे, चीफ सेक्रेटरी को बदलना है, डीजीपी को बदलना है, एडिशनल डीजीपी को बदलना है, और जो डीएम्स पार्टिजान व्यवहार कर रहे हैं उन लोगों को तुरंत वहाँ से हटा के और निष्पक्षिक अधिकारियों को वहाँ नियुक्त करना चाहिए, और जो लोग बाहर गए भयभीत होके उन लोगों को आश्वासन देना चाहिए वो लोग वापस आवे अपना मतदान उस दिन वो सदुपयोग करने के लिए उनकी व्यवस्था होना चाहिए। और कुछ टेंशन इलाका है उसके बारे में भी हमने कह दिया सीआरपीएफ को और सेंट्रल फोर्सेस को वहाँ फ्लैग मार्च करना चाहिए जहाँ जहाँ ऐसा भयानक वातावरण है ऐसी इलाका में। और लोकतंत्र में चुनाव आयोग का कर्तव्य होता है चुनाव अच्छी तरफ से कराना, कर रहे हमको विश्वास है चुनाव आयोग के ऊपर। अभी तक जो जिस तरह का चुनाव आयोग ने व्यवहार किया बाकी स्टेट्स में भी अच्छा काम हो रहा है, और लोगों को भी अपना मतदान करने के लिए भी लोगों को प्रोत्साहित कर रहे इलेक्शन कमीशन, साथ ही साथ चुनाव निष्पक्ष हो स्वतंत्र हो ऐसा व्यवस्था करेंगे ऐसा हमको विश्वास है। भयमुक्त स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो गए तो देश का भला होगा और उत्तर प्रदेश वासियों को भी मुक्ति मिलेगी और देश के साथ वो लोग भी आगे बढ़ के विकास के रास्ते पर चल सकते हैं। आजम खान ने ये कहा है कि प्रधानमंत्री रावण वध करने के लिए लखनऊ जाते हैं जबकि असली रावण तो दिल्ली में बैठा है। वो ऐसी व्यक्तियों को बेकार बात करते कुछ लोग, उनको डांट पड़ा सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा व्यक्ति, और भी एक स्टेटमेंट दिया उन्होंने समाजवादी बहुजन समाज पार्टी ने 100 मुसलमानों को दिया 300 दिए तो मैं खुद उसी में जा सकते थे। ये सब ऐसी बेकार बात करते रहते, ये लोग प्रधानमंत्री का आलोचना करना शुरू से ही कर रहे हैं ना, ये लोग कोई नया बात नहीं है, माने वो कंपनी का स्टॉक ऐसी है। ECI has given Congress time till June to conduct organizational polls and there is some indication that Rahul Gandhi is still perhaps hesitant to become the Congress president. I don't take names, but it's duty of every political party, that too for a political party which claims of 125 years of history etc. old. The party should conduct elections in a free and fair manner and report to the election commission. They should have taken the lead. The very fact that the election commission has to remind the Congress party and has to give time shows that all is not well and democracy is not effective in the Congress party's internal functioning also.